हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल रेसल किंगडम। तो गाइस, इस वीडियो में मुझे बात करने वाले हैं टॉप 10 हाईएस्ट पेड रेसलर इन AEW के ऐसे टॉप 10 रेसलर जो कितने पैसे कमाते हैं AEW से। गाइस, इसमें से एक ऐसा रेसलर भी है जो ब्रॉक लेसनर से भी ज़्यादा पे चार्ज करते हैं, मतलब कि ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो गाइस, जो अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम रेसलिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट अपने चैनल पर लाते रहते हैं और बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, नंबर 10 पर हमारे पास आते हैं जो जिन्हें WWE में नेवर के नाम से जाना जाता था और उन्हें 2018 में WWE से रिलीज कर दिया गया। गाइज, उनकी सैलरी AEW में $7,50,000 है और गाइज से इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो आती है 5,25,00,000। गाइज, 5,25,00,000 रुपए। तो गाइज, हम देख सकते हैं कि पाक अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं WWE के अगेंस्ट AEW से। और गाइज, नंबर 9 पर हमारे कैनी ओमेगा आते हैं। गाइज, इनकी जो सैलरी मुझे ये पूरी लिस्ट में सबसे कम लगी, क्योंकि इतने कमाल के रेसलर हैं, इन्होंने 7 स्टार 5 स्टार मैच दिए हैं NJPW में। गाइज, इसके लिए मैं थोड़ा अपसेट जरूर हूँ, पर इसकी सैलरी ज़्यादा बेकार तो नहीं, पर मुझे थोड़ी बेकार से लगी है। उनकी सैलरी $8,00,000 है। तो गाइज, ये आप देख सकते हैं कमाल रेसलर की इतनी कम सैलरी। और गाइज, अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो गाइज आती है 5,75,00,000 रुपीज। तो गाइज, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। और गाइज, नेक्स्ट नंबर 8 पर हमारे ब्रांडी रूट्स आती है वुमेंस डिविजन से। गाइज, हमें पता है कि ये कोडी रूट्स की वाइफ है, इन्हें इसलिए इन्हें AEW से $2 मिलियन मिलते हैं। गाइज, अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो गाइज आती है 14 करोड़ रुपए। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि वुमेंस में भी अच्छे खासे रुपए कमा रहे हैं वो AEW में। ब्रांडी रूट्स इन रिंग के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट का भी काम करती है, इसलिए उन्हें इतनी ज़्यादा सैलरी दी जाती है। और वो रूट्स की वाइफ भी, इसलिए गाइज AEW उन्हें इतनी ज़्यादा पैसा देती हैं। गाइज, नंबर 7 पर हमारे यंग बक्स आते हैं, जो कि मुझे AEW में पूरी वर्ल्ड में सबसे अच्छी टैग टीम लगती है। गाइज, इनकी जो इनकम है वो है $2 मिलियन। तो और अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो गाइज वो आती है 14 करोड़ रुपए, सेम ब्रांडी रूट्स की तरह। गाइज, हमें पता है कि यंग बक्स NJPW ROH और बहुत सारी कंपनियों में लड़ चुकी हैं और वो एक नंबर की टीम है, बहुत अच्छी रेसलिंग स्किल्स है उनकी, इसलिए वो AEW से $2 मिलियन तो आराम से कमाई लेते हैं। गाइज, नंबर 7 पर हमारे जैक टाइगर आते हैं, जिन्हें WWE में जैक स्वैगर से नाम से जाना जाता था। गाइज, WWE में जैक स्वैगर 2010 के टाइम से, फिर उन्हें WWE का कॉन्ट्रैक्ट साइन खत्म होने के बाद वो सीधे MMA में चले गए थे। MMA भी उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत सारे मैचेस जीतते हैं MMA में भी वो। फिर गाइज, पिछले साल 2019 में जैक स्वैगर ने AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और गाइज उनका कॉन्ट्रैक्ट $3 मिलियन का है। और अगर हम इस सैलरी को कन्वर्ट करें तो इंडियन रुपीज़ में तो गज वो आती है 21 करोड़ रुपए। तो गज हम देख सकते हैं जगह के भी अच्छा खासा कमा लेते हैं AEW से। गाइस, नेक्स्ट नंबर 5 पे हमारे जस्टिन रूट्स आते हैं, जिन्हें WWE में गोल्ड डस्ट के नाम से जाना जाता था। गाइस, जस्टिन रूट्स WWE में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, शायद 2019 के बाद से ही WWE में काम कर रहे हैं। गाइस, WWE में गोल्ड डस्ट को कुछ अच्छा खासा कुछ नहीं दिए और हम देख सकते हैं जब से उन्होंने AEW में रिटर्न किया वो कैसे कमाल के मैचेस दिए जा रहे हैं। हमें कितने अच्छे रेसलिंग मैच दिए हैं AEW में, हम तारीफ नहीं कर सकते उन मैच की। भाई, कितने अच्छे मैचेस दिए उन्होंने WWE में, AEW मतलब मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। गाइज, उनकी जो सैलरी है वो $5 मिलियन है, अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो गाइज वो आती है वो 28 करोड़ रुपए। तो गाइज, देख सकते हैं कि WWE के अगेंस्ट जो AEW कंपनी है अच्छी खासी रुपये देती है उन्हें AEW में मिल जाते हैं। और गाइज, ये एक रीजन ये भी है कि वो कोल्ड रूल्स के भाई है, इसलिए उन्हें इतने ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं AEW से और पुश भी अच्छा खासा मिल जाता है। और गाइज, नेक्स्ट नंबर 4 पर हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रूट्स आते हैं, जिनकी सैलरी $4 मिलियन है। और अगर हम उन्हें इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो आती है 28 करोड़ रुपए। गाइज, अगर आप WWE बहुत पहले से फॉलो करें तो आपको पता है कि कोडी रूट्स WWE में भी काम कर चुके हैं और उन्हें वहाँ पर कुछ अच्छा खासा पुश नहीं दिया जाता था, जिसके बाद उन्होंने AEW छोड़ दी और AEW में आ गए। जो
AEW के जो टोनी खान है उन्होंने ये कंपनी बनाई है कोड जूड्स के साथ। उन्होंने कोड जूड्स ने बहुत हेल्प की इस AEW कंपनी को बनाने के लिए, इसलिए उनको $4 मिलियन सैलरी मिलती है। और इसके साथ साथ गाइज वो अपनी वाइफ की तरह AEW में वाइस प्रेसिडेंट का भी रोल प्ले करते हैं। और गाइज नेक्स्ट नंबर 3 पर हमारे मैट हार्डी आते हैं, जिन्हें AEW से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद सीधे AEW में साइन कर लिया था अपना कॉन्ट्रैक्ट। गाइज जो उनकी सैलरी है वो है $5 मिलियन, सही रोमन रेंज के कॉल उनकी सैलरी। गाइज अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो AEW से। भाई मैं इसके लिए बहुत शौक हूँ, इतने $5 मिलियन पीछे सैलरी मिली मिल रही है उन्हें AEW से। गाइज अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो आती है ₹35 करोड़। तो गाइज हम जानते हैं कि जो जेफ हार्डी और मैट हार्डी की टीम प्रो रेसलिंग बहुत फेमस है, इसलिए AEW ने उन्हें अच्छे खासे पैसे दिए हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, अपने कंपनी में रहने के लिए। और गाइज नेक्स्ट नंबर 2 पर हमारे जोन मॉक्स लिया जाते हैं, जिन्हें WWE में डीन एम्ब्रोस के नाम से जाना जाता था। गाइज वो बहुत अंडररेटेड सुपरस्टार है, उन्हें WWE में पुश तो दिया गया था, फिर बाद में उनकी बुकिंग एकदम बकवास कर दी थी, जिसकी वजह से जॉन मॉक्सली परेशान आकर WWE क्विट कर दी। और उन फिर उन्होंने सीधे से पिछले साल AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और जो काजिम की जो नेटवर्थ सैलरी है वो है $6.1 मिलियन, जो कि रोमन रेंस और भी WWE के सुपर स्टार है उनसे बहुत ज़्यादा है। और गाइज अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो गाइज वो आती है ₹43 करोड़ के आसपास से सैलरी आती है कुछ। तो गाइज जॉन मॉक्सली भी अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं AEW से। और गाइज जो नेक्स्ट हमारे सैलरी आती है वो जो नेक्स्ट नंबर 1 पर जाते हैं गाइज वो है क्रिस जेरिको। गाइज मैं आपको बता रहा था कि इस वीडियो के शुरू में आप शॉक होने वाले हैं, क्रिस जेरिको की सारी जानकर गाइज आप शॉक हो ही जाएंगे। मैं आपको सैलरी बता दूंगा, गाइज जो इनकी जो सैलरी है वो है $18 मिलियन। भाई आप शॉक, तो मैं तो बख्शो हुआ सैलरी को सुनकर। भाई इतने पैसे कमा रहे हैं AEW से, क्योंकि जेर को इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। ब्रॉक लेसनर की सैलरी बस ओनली $10 मिलियन ही है, और उनकी सैलरी भी डबल ही मान लो ब्रॉक लेसनर से। और गाइज अगर हम इससे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो गाइज इनकी सैलरी इंडियन रुपीज में 116 करोड़ के आसपास आते हैं। तो गाइज अच्छे खासे पैसे, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं वो AEW से। और गाइज हम जानते हैं कि AEW में क्रिस जेरिको को अच्छा खासा खुश मिल रहा है। AEW के फर्स्ट एवर AEW चैंपियन है, और गाइज अच्छी बुकिंग भी मिलती है उन्हें AEW में। और गाइज जो उनकी जो फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, वो 3 डेकेड से लड़ रहे हैं, बहुत वो WCW के ज़माने से प्रो रेसलिंग में लड़ते आ रहे हैं। NJPW, ROH और भी बहुत सारी कंपनियों में वो काम कर चुके हैं। और गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।